डियर स्टूडेंट्स नमस्कार। फोटोकेमिस्ट्री का नेक्स्ट पार्ट आज हम पढ़ेंगे फोटोकेमिस्ट्री ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड। फोटोकेमिस्ट्री ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड्स इज डोमिनेटेड बाय एन टू पाई स्टार एक्साइटेड स्टेट, क्योंकि कार्बोनाइल कंपाउंड में दो तरह के ट्रांजिशन संभव है आपके, एक तो पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन और ऑक्सीजन पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है इसलिए एन टू पाई स्टार ट्रांजिशन। जैसा कि हम जानते हैं कि एन टू पाई स्टार ट्रांजिशन में एनर्जी की कम जरूरत होती है इसलिए एन टू पाई स्टार ट्रांजिशन इंपॉर्टेंट है फॉर कार्बोनाइल कंपाउंड। मोस्ट कार्बोनाइल कंपाउंड्स हैव एफिशिएंट इंटर सिस्टम क्रॉसिंग एंड हैंस द रिएक्शन अकर फ्रॉम द ट्रिपलेट एन टू पाई स्टार ट्रांजिशन। कार्बोनाइल कंपाउंड एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, सिंगलेट स्टेट में जाएगा और फिर इंटर सिस्टम क्रॉसिंग होगा और ट्रिपलेट स्टेट में जाएगा, ट्रिपलेट स्टेट में ही रिएक्शन होगी। दो तरह के प्रोसेस हैं इसमें, नोरिस टाइप फर्स्ट प्रोसेस और नोरिस टाइप सेकंड प्रोसेस। आज हम पढ़ेंगे नोरिस टाइप फर्स्ट प्रोसेस। होमोलाइटिक क्लीवेज ऑफ ए बॉन्ड अल्फा टू कार्बोनाइल ग्रुप। नोरिस टाइप फर्स्ट प्रोसेस में इस बॉन्ड का जो कार्बोनाइल ग्रुप के अल्फा पोजिशन पे है इस बॉन्ड का होमोलाइटिक क्लीवेज होगा, इसे हम कहेंगे अल्फा क्लीवेज। कार्बोनाइल कंपाउंड फोटोन एब्जॉर्ब करेगा, एन टू पाई स्टार ट्रांजिशन होगा, मॉलिक्यूल सिंगलेट स्टेट में गया, इंटर सिस्टम क्रॉसिंग होगा, मॉलिक्यूल ट्रिपलेट स्टेट में जाएगा। ये मॉलिक्यूल ट्रिपलेट स्टेट में रिएक्शन होगा और अपना होमोलाइटिक क्लीवेज होगा यहाँ पे और एसाइल रेडिकल और मिथाइल रेडिकल बनेगा। अब दोनों रिएक्शन देखते हैं अपन, दिस एंड दिस। यह है आपका एसीटोन, यह है आपका टर्शी ब्यूटाइल मिथाइल कीटोन। यहां पे अल्फा क्लीवेज होने पे आपका टर्शी ब्यूटाइल रेडिकल बनता है, यहां पे मिथाइल रेडिकल है, टर्शी ब्यूटाइल रेडिकल आपका मोर स्टेबल है और इसलिए यह रिएक्शन फास्ट होगी, यह रिएक्शन स्लो होगी। और अल्फा क्लीवेज आपका प्राइमरी प्रोसेस है। आप देखिए अपन तीन कीटोन देखते हैं इसमें, एसीटोन, एसिटोफिनोन और बेंजोफिनोन। डू नॉट अंडरगो अल्फा फ्रेगमेंटेशन एफिशिएंटली, क्यों? क्योंकि यहां पे जो रेडिकल बनेगा, मिथाइल रेडिकल बनेगा या फिनाइल रेडिकल, वो स्टेबल नहीं होते इसलिए आपका अल्फा फ्रेगमेंटेशन इतना एफिशिएंटली नहीं होता। नेक्स्ट है रिएक्टिविटी डिपेंड्स ऑन ट्रिपलेट एनर्जी स्टेट, मतलब आपका ये है आपका टर्शी ब्यूटाइल फिनाइल कीटोन है आपका, इसको हम फोटोन देंगे तो ये सिंगलेट स्टेट में जाएगा फिर ट्रिपलेट स्टेट में जाएगा। ट्रिपलेट स्टेट की एनर्जी जो है ग्राउंड स्टेट से वो है 73 किलो कैलोरी पर मोल टर्शी ब्यूटाइल फिनाइल कीटोन की, और टर्शी ब्यूटाइल मिथाइल कीटोन की जो एनर्जी है इसको फोटोन देंगे तो ये सबसे पहले सिंगलेट स्टेट में जाएगा फिर ट्रिपलेट स्टेट में जाएगा, और इसकी ग्राउंड स्टेट से जो एनर्जी है ट्रिपलेट स्टेट की वो है आपकी 80 किलो कैलोरी पर मोल, मीन्स ये एनर्जी कम है इसकी एनर्जी ज़्यादा है। तो यहाँ पे देखिए आपका रेट कांस्टेंट यानी रेट ऑफ रिएक्शन, ये है आपका 10^7 सेकेंड इनवर्स और इसका है 10^-9 सेकेंड इनवर्स। इसका मतलब रेट ऑफ रिएक्शन इसकी ज़्यादा है, क्यों ज़्यादा है? क्योंकि ट्रिपलेट स्टेट की एनर्जी ग्राउंड स्टेट से जितनी ज़्यादा होगी रेट ऑफ रिएक्शन उतना ही ज़्यादा होगा। नेक्स्ट है रिएक्टिविटी डिपेंड्स ऑन रिंग स्ट्रेन, आपका साइक्लोहेक्सेनोन, साइक्लोपेंटेनोन और साइक्लोब्यूटेनोन है, इधर से इधर जाने पे आपका रिंग स्ट्रेन बढ़ रहा है, रिंग स्ट्रेन बढ़ने पर रेट ऑफ अल्फा क्लीवेज इंक्रीज होगा। नेक्स्ट है रिएक्टिविटी डिपेंड्स ऑन द इलेक्ट्रॉनिक स्टेट ऑफ द कार्बोनाइल एक्साइटेड स्टेट। देखिए यहाँ पे ये है टर्शी ब्यूटाइल फिनाइल कीटोन है आपका, फोटोन देंगे इसको तो ये आपका एन टू पाई स्टार ट्रांजिशन होगा, इसमें सिंगलेट स्टेट में जाएगा फिर आपका ये मॉलिक्यूल इंटर सिस्टम क्रॉसिंग होगा और ट्रिपलेट स्टेट में जाएगा और अपने पास ये बनेगा। और इस इक्वेशन में क्या है, ये है पैरामिथॉक्सी फिनाइल टर्शी ब्यूटाइल कीटोन है आपका, यहाँ पे इस रिएक्शन में पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन होगा क्योंकि पैरा ये मिथॉक्सी ग्रुप जुड़ते ही इसमें जो एन टू पाई स्टार की एनर्जी है वो पाई टू पाई स्टार की जो एनर्जी है वो एन टू पाई स्टार से कम हो जाती है इसलिए ये ट्रांजिशन होगा पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन। लेकिन नोरिस टाइप फर्स्ट में अल्फा क्लीवेज में आप
जो एन टू पाई स्टार ट्रांजिशन है वही ज़्यादा फेवरेबल है, इसलिए यहाँ पे रेट इसका ज़्यादा है इस रिएक्शन का, और इस रिएक्शन का रेट कम है। नेक्स्ट है रिएक्टिविटी डिपेंड अपॉन द सेंसिटाइजर। ये मॉलिक्यूल है आपका, इस मॉलिक्यूल पे फोटोन दिया, फोटोन देते ही ये मॉलिक्यूल क्या किया, एनर्जी एब्जॉर्ब करके सिंगलेट स्टेट में गया, और सिंगलेट स्टेट से ये रिएक्शन होगी तो रेट कॉन्स्टेंट आया अपना ये 10^8 सेकेंड इनवर्स से कम। और अगर यहाँ पे सेंसिटाइजर यूज किया, सेंसिटाइजर क्या करेगा आपका, एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा और सिंगलेट स्टेट से ट्रिपलेट स्टेट में जाएगा, एनर्जी इस मॉलिक्यूल को ट्रांसफर करेगा, तब रेट कॉन्स्टेंट है आपका ये। मीन्स आपका जो स्टेट है, एक्साइटेड स्टेट कौन सी है, ट्रिपलेट स्टेट और सिंगलेट स्टेट, यानी ट्रिपलेट स्टेट मोर फेवरेबल है किसके लिए, अल्फा क्लीवेज के लिए। नेक्स्ट पढ़ेंगे अपन इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड। इसमें पहला है सैचुरेटेड एसाइक्लिक कंपाउंड, सैचुरेटेड एसाइक्लिक कार्बोनाइल कंपाउंड, दिस इज टर्शियरी ब्यूटाइल मिथाइल कीटोन है आपका, फोटोन दिया, एन टू पाई स्टार ट्रांजिशन होगा सिंगलेट स्टेट से, पहले सिंगलेट स्टेट में जाएगा, इंटर सिस्टम क्रॉसिंग होगा, ट्रिपलेट स्टेट में जाएगा और एसाइल रेडिकल बनेगा अपने पास, और इसमें टर्शियरी ब्यूटाइल रेडिकल बनेगा। यहाँ से इस मिथाइल ग्रुप से हाइड्रोजन जो है आपका CH3 से हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्शन होगा, आइसोब्यूटिलीन बना और अपने पास बना एसिड एल्डिहाइड। नेक्स्ट है आपका सैचुरेटेड साइक्लिक कंपाउंड, ये आपका 2,3 डाइमिथाइल साइक्लोपेंटेनोन है आपका, प्रोटोन एब्जॉर्ब किया और आपका एन टू पाई स्टार ट्रांजिशन होगा, सिंगलेट स्टेट से इंटर सिस्टम क्रॉसिंग हुआ, ट्रिपलेट स्टेट में गया और यहाँ पे डायरेडिकल बना। अब यहाँ पे अल्फा बीटा और गामा पोजीशन से हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्शन होगा यहाँ से, और यहाँ से हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्शन होके अपने पास बनेगा अनसेचुरेटेड एल्डिहाइड। इसके बाद नेक्स्ट है आपका अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड कंपाउंड, अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड है ये आपका, कंपाउंड है अल्फा अल्फा डाइमिथाइल साइक्लोपेंटेनोन। यहाँ पे अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड है, ये पोजीशन अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड है, फोटोन दिया इसको, फोटोन देते ही ये सिंगलेट स्टेट से ट्रिपलेट स्टेट में गया इंटर सिस्टम क्रॉसिंग करके, और यहाँ पे अपने पास एस्टर बनेगा और ये अपने पास कॉन्जुगेटेड डाई इन एल्डिहाइड बनेगा। यहाँ देखिए दो इसका रिएक्शन मैकेनिज्म देखें, यहाँ पे अल्फा क्लीवेज हुआ इसका, डायरेडिकल बना इंटरमीडिएट, और यहाँ पे हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्शन होगा, गामा हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्शन होगा, अल्फा बीटा गामा हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्शन, और यहाँ पे बना कॉन्जुगेटेड डाई इन एल्डिहाइड बना। नेक्स्ट है आपका यहाँ से इस डबल बॉन्ड का होमोलाइटिक क्लीवेज होगा, यहाँ डबल बॉन्ड बनेगा और ये जो है इससे जुड़ जाएगा और अपने पास साइक्लोप्रोपेन डेरिवेटिव बनेगा, किटीन बनेगा। किटीन इस रिएक्शन कंडीशंस में स्टेबल नहीं है, इसलिए MeO से रिएक्शन करके आपका एस्टर बनाएगा। नेक्स्ट है आपका बीटा गामा अनसेचुरेटेड कीटोन, ये बीटा गामा अल्फा बीटा गामा अनसेचुरेटेड कीटोन है आपका, फोटोन एब्जॉर्ब करेगा, अल्फा क्लीवेज होगा, डायरेडिकल बनेगा हमारे पास, CO निकलेगा और अपने पास ये बनेगा, और यहाँ से दो तरह के रिंग क्लोजर हो सकता है, दोनों आपस में जुड़ के इस तरह का कंपाउंड बना सकते हैं, या फिर ये जो सिंगल पाई बॉन्ड है इसका होमोलाइटिक क्लीवेज होगा यहाँ पे, और ये डबल बॉन्ड और ये डबल बॉन्ड बन के इस तरह कंपाउंड अपने पास बन जाएगा।